हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कर्नाटका सेट 2020 के डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड सेल सिग्नलिंग के क्वेश्चन। अभी इस क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस आए थे सेल सिग्नलिंग एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी के, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अभी देखिए, यहाँ पे फर्स्ट सेल सिग्नलिंग कैंसर एंड इम्यूनोलॉजी क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिग्नलिंग मॉलिक्यूल नॉट बाइंड टू न्यूक्लियर रिसेप्टर। तो न्यूक्लियर रिसेप्टर को नॉन पोलर सिग्नल बाइंड होते हैं, जैसे कॉर्टिसोल बाइंड होता है, जैसे टेस्टोस्टेरॉन बाइंड होता है, जैसे विटामिन D3 बाइंड होता है, बट एसिटिल कोलिन इट इज नॉट बाइंड टू द न्यूक्लियर रिसेप्टर्स एंड देयरफॉर सेकेंड ऑप्शन इज द इनकरेक्ट। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स सेल सेल जंक्शन, कि सेल सेल जंक्शन को कौन डिस्क्राइब करता है। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब सेल सेल जंक्शन, तो यहाँ पे सेल सेल जंक्शन में अभी जैसे अगर हम देखें तो एडरेंस जंक्शंस होते हैं कि जो ऑकर एज अ कंटिन्यूस बैंड्स, कि जो एडरेंस जंक्शंस है जो मेजर रोल प्ले करते हैं। तो ये से ऑक्लूडिन एंड क्लाउडिन सेल सेल कॉन्टेक्ट नहीं करते, तो सील करते हैं। देन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस विच ऑफ द फॉलोइंग एज द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, कौन सा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो दिस इज द एन असाइल होमोसेरिन लैक्टोन, ये AHL है, ये प्रोड्यूस किया जाता है। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्यूमर सप्रेसर जीन, कौन सा ट्यूमर सप्रेसर जीन एग्जांपल है। तो ये तो न्यूरोब्लास्टोमा नहीं है, P53 इज द ट्यूमर सप्रेसर जीन, P53 है, RB है, P10 है, बहुत सारे जीन्स है कि जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है, तो इसलिए P53 करेक्ट है। तो इसके बाद तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्यूमर सप्रेसर जीन, सो P53 इज द ट्यूमर सप्रेसर जीन एंड तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। रेटिनोब्लास्टोमा RB, दिस इज ऑल्सो द ट्यूमर सप्रेसर जीन, तो डी ऑप्शन इज ऑल्सो। देन राउस सार्कोमा वायरस वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड, कि राउस सार्कोमा कहाँ पे डिस्कवर किया गया, तो दिस इज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन द चिकन, डी ऑप्शन इज करेक्ट। देन MHC मॉलिक्यूल्स एंड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल विच प्रेजेंट फॉरिन पेप्टाइड्स टू हेल्पर टी सेल्स, ये फॉरिन पेप्टाइड्स को प्रेजेंट करते हैं हेल्पर टी सेल्स को, तो ये दीज आर टू द MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल्स, कि क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल्स है, वहां से ये फॉरिन पेप्टाइड्स को प्रेजेंट करते हैं, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। देन द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन प्रोड्यूसिंग एन एंटीबॉडी रिस्पॉन्स टू एंटीजन, कि एंटीबॉडी रिस्पॉन्ड एंटीजेंस में अगर हम करते हैं तो कैसे, तो एंटीजन APC करेक्ट, टी हेल्पर सेल करेक्ट, देन बी सेल्स, देन प्लाज्मा सेल्स, देन एंटीबॉडी, सो दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन, सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। देन अ लिविंग माइक्रोब हुज वायरुलेंस इज डिस्ट्रॉयड एंड यूज फॉर वैक्सीनेशन, लिविंग माइक्रोब वायरुलेंस डिस्ट्रॉय किया जाता है एंड यूज फॉर वैक्सीनेशन, इज कंसिडर्ड डी ऑप्शन, दैट इज अटेंडुएटेड। तो ये अगर इनएक्टिव माइक्रोब है जो लाइव अटेंडुएटेड है, तो लाइव अटेंडुएटेड में उसकी सिर्फ पैथोजेनिसिटी रिमूव की जाती है, बाकी जैसे वैसे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है लाइव फॉर्म में होता है, तो लिविंग है ओनली पैथोजेनिसिटी रिमूव की है, इसलिए इसे हम अटेंडुएटेड बोलते हैं। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोइम्यून डिसीज, कौन सा ऑटोइम्यून डिसीज है, तो हियर देर इज द मल्टीपल स्क्लेरोसिस, दिस इज द ऑटोइम्यून डिसीज। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पोर्टल एंट्री ऑफ द बैक्टीरियल पैथोजन इन द प्लांट होस्ट, कि पोर्टल ऑफ एंट्री कौन सी नहीं है, तो पोर्टल ऑफ एंट्री देट इज द प्लाज्मोडेस्माटा, तो प्लाज्मोडेस्माटा ये मूवमेंट के लिए होती है, ER से ER का ट्रांसफर किया जाता है विद इन सेल गैप जंक्शन से, तो डी ऑप्शन। देन चूज द करेक्ट मैच, अभी करेक्ट मैच में IgA दिस इज सिक्रेटरी, IgE बेसोफिल्स को एक्टिवेट करेगी, IgG क्रॉस प्लासेंटा, IgM इट इज पेंटेमेरिक, सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। देन देवबायो ड्यूरिंग मॉर्फोजेनेसिस द फॉर्मेशन ऑफ एंटीरियर स्ट्रक्चर, जो एंट्री स्ट्रक्चर फॉर्मेशन किए जाते हैं इन द ड्रोसोफिला एम्ब्रियो रिक्वायर्स प्रोडक्ट ऑफ, तो बाइकॉइड
जिनका प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है एंटेरल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के लिए, सी ऑप्शन इज करेक्ट। देन फ्लोरल डेवलपमेंट इन एराबिडोप्सिस, एराबिडोप्सिस में जो फ्लोरल डेवलपमेंट होता है, एंड एंटीहेरिनियम इज यूज जेनेटिक कंट्रोल ऑफ द जीन्स, कि ये कौन से जीन्स यूज करते हैं, तो होम्योटिक जीन्स की जो यूज किए जाते हैं, बी ऑप्शन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मास्टर जीन इन्वॉल्व इन द सेक्स डिटरमिनेशन, कौन सा मास्टर जीन है कि जो सेक्स डिटरमिनेशन में यूज किया जाता है, तो दैट इज द SXL, तो ड्रोसोफिला में SXL मेजर रोल प्ले करता है कि जो फीमेल स्पेसिफिक है। देन प्रोडक्ट्स ऑफ मैटरनल जीनोम मॉलिक्यूल्स दैट आर प्लेस्ड इन द ड्रोसोफिला एक आर, तो ये RNA फॉर्म में प्रोडक्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो जिसे हम मैटरनल अफेक्ट जीन्स के प्रोडक्ट्स बोलते हैं। देन कैस्पेजेस आर इन्वॉल्व इन, तो कैस्पेजेस आर इन्वॉल्व इन द एपोप्टोसिस प्रोसेस। तो दीज आर द ऑल क्वेश्चंस कि जो हमने कर्नाटका सेट के देखे जो पूछे गए थे, तो क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए थे। तो थैंक यू।